हे एवरीवन, वेलकम टू बुंदेलखंड सिस्टर्स। और आज मैं बनाऊंगी बहुत टेस्टी सा मिल्क, जो बहुत ही कम, यानी कि आपके घर में कोई तो टॉफ़ी होगी, टॉफ़ी नहीं है ये वाली, नहीं है तो क्या हुआ, चॉकलेट्स तो होगी ना, बच्चे तो बिना चॉकलेट्स के रहते ही नहीं हैं। तो बस उसी के दूध और चॉकलेट और ये मेरा जो ड्राई फ्रूट्स वाला मसाला है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, ये ख़राब नहीं होता है, इसको बनाइए, एक साल तक रखिए बिना किसी दिक्कत के, और ये बहुत टेस्टी लगता है। दूध में जो मखाने का इसमें आता है ना क्रंचीनेस, जब ये दूध में डलता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो शुरू करते हैं। तो पैन मैंने रख दिया है, मैं करूँगी एक गिलास दूध का इस्तेमाल। तो यहाँ पे ऐड करिए गिलास दूध, तो ये हो गया ऐड। तो दूध जैसे ही हल्का सा गर्म होगा ना, इसमें चीनी ऐड मत करिएगा, और जो भी टॉफ़ी चॉकलेट, बच्चे तो चॉकलेट्स खाते हैं ना, तो जो भी चॉकलेट्स है आपके पास उसमें ऐड करिए। मैंने लिया है सिर्फ तीन, मैंने तीन मेलोडी को काटा हुआ था, सिंपल ये हाथ से कट हो जाती हैं, और बस उसको ऐड कर दिया है। इसको चलाएंगे ना तो ये इसमें अपने आप उसका हल्का सा कलर मिठास आ जाएगा आराम से। तो देखिए इतनी जल्दी इसमें कलर आ गया है। अब ऐड कर दीजिए ये मसाला, ड्राई फ्रूट्स का मसाला है, इसको घी से बनाया हुआ था, मैंने अपने वीडियो में बनाया, आप चाहें तो देख सकते हैं बुंदेलखंड सिस्टर्स का। बस इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, एक चम्मच के आसपास, और बस ये रेडी हो गया। बस यही है, इतना सा, देखिए ये रेडी है। आप ज़्यादा गर्म पसंद करते हैं तो गर्म, और बच्चे पियेंगे तो हल्का ठंडा ही चाहिए। तो लीजिए, मेरा दूध हो गया है रेडी। तो आप देख रहे हैं इसमें कलर दिख रहा है ना, मैंने सिर्फ एक गिलास दूध में तीन मेलोडी का इस्तेमाल किया है और एक चम्मच ड्राई फ्रूट्स मसाले का। तो दूध को ऐड कर लीजिए गिलास में। और गाइस, दूध सभी के लिए अच्छा है, अगर आप एक लैक्टिक मदर हैं, यानी कि आप फीड कराती है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ दूध ज़रूर पीजिए, दूध पियेंगे तो जाहिर सी बात है फीड भी अच्छे से आएगा। तो देखिए, देख रहे हैं आप, एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा बनता है। मैं थोड़े से इसमें से मखाने और ऐड कर देती हूँ, देखिए बहुत ही टेस्टी होता है ये बिना चीनी का। दूध में चीनी वैसे भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, और पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वो भी दूध पिए। आपको लगता है थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ सभी को शेयर करिए, अपने फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय।